भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ ही सैकड़ों सालों से चला आ रहा राम भक्तों का सपना अब पूरा होने जा रहा है। इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री अयोध्या गए, अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। कुछ ने तो हनुमानगढ़ी में जाकर दर्शन किए, लेकिन रामलला के पास कोई नहीं गया। रामलला से एक निश्चित दूरी सबने बनाकर रखी थी, लेकिन अब वो दूरी भी नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी और भूमि पूजन करके करोड़ों राम भक्तों की आस्था को एक अलग ही उमंग, उल्लास और उत्साह प्रधानमंत्री की ओर से दे दिया गया है। लेकिन वो कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे जिन्होंने अयोध्या का दौरा तो किया, लेकिन वो रामलला विराजमान के पास नहीं गए, उनके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। साल 1966 में इंदिरा गांधी एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए अयोध्या जाती हैं, लेकिन रामलला के दर्शन करने के लिए वो नहीं जाती। अयोध्या में नया घाट पर बने सरयू पुल का उद्घाटन करने इंदिरा गांधी पहुंचती हैं, लेकिन वो रामलला के पास नहीं जाती हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी का दूसरा दौरा होता है 1969 में, तब वो अयोध्या पहुंचती हैं, बजरंग बली के दर्शन करने के लिए हनुमानगढ़ी जाती हैं, बकायदा साधु संतों का आशीर्वाद लेती हैं, लेकिन वो रामलला से एक दूरी बनाकर रखती हैं और हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद वो वापस लौट आती हैं। इसके बाद तीसरी बार इंदिरा गांधी 1975 में अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने गई थी। उन्होंने विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और दिल्ली वापस लौट आई थी। इसके बाद बात कर लेते हैं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की। दो बार प्रधानमंत्री रहते हुए और एक बार पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर राजीव गांधी ने अयोध्या का दौरा किया था। सबसे पहले बात 1984 की कर लेते हैं। साल 1984 और 1989 ये दो ऐसे साल रहे जब देश में चुनाव का माहौल था और राजीव गांधी ने अयोध्या जाकर वहां पर लोगों का दिल जीतने की कोशिश की थी। राजीव गांधी ने ही 1986 में अयोध्या में विवादित परिसर का ताला खुलवाया था। इसके पीछे कहा यह जाता है कि उस समय की अलग पॉलिटिक्स थी, जिससे हिंदुओं का दिल जीतने की कोशिश राजीव गांधी की ओर से की जाती रही। 1984 में राजीव गांधी ने अयोध्या में चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी ने अयोध्या से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया था। 1989 में राजीव गांधी बहुत सारे मोर्चों पर घरेलू स्तर पर घिरे हुए थे, इसी वजह से हिंदुत्व का सहारा लेने की उनकी ओर से कोशिश की गई और अपने चुनावी अभियान का आगाज उन्होंने अयोध्या से किया और अयोध्या में जाकर राम राज्य का जिक्र राजीव गांधी की ओर से किया गया था। हालांकि बाद में जब रिजल्ट आए तो उसका बहुत ज्यादा फायदा राजीव गांधी को मिला नहीं था। राजीव गांधी ने विपक्ष में रहते हुए 1990 में सद्भावना यात्रा के दौरान भी अयोध्या की यात्रा की थी, लेकिन रामलला का दर्शन पूजन नहीं किया था। बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले अटल बिहारी वाजपेयी अयोध्या तो कई बार आए, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए दो बार पहुंचे। साल 2003 में मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरा रहे रामचंद्र दास परमहंस के निधन पर वो अयोध्या आए थे। सरयू के तट पर उन्होंने परमहंस को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि राम मंदिर का आपका सपना अवश्य पूरा होगा। इससे पहले भी अटल 2003 में सरयू तट पर गए थे। इस दौरान अयोध्या से गोरखपुर और पूर्वांचल को जोड़ने के लिए सरयू तट पर बने रेलवे पुल और रेल लाइन का उद्घाटन कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे। सरयू पर दूसरे पुल और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से अयोध्या को जोड़ने का काम भी अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। फैजाबाद हवाई अड्डे पर बतौर प्रधानमंत्री एक बार चुनावी सभा को भी संबोधित किया, लेकिन अपने तमाम दौरों के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी ने एक दूरी रामलला से बनाकर रखी हुई थी और वो रामलला का दर्शन पूजन करने के लिए नहीं गए थे। वहीं बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी ने रामलला के दरबार में हाजिरी लगाते हुए एक और इतिहास, राम के दरबार में पहुंचने वाले आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज कर लिया है।